निया इमेजिनेशन डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाऊंगी कि धागा बार बार टूटता क्यों है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि बताएं कि धागा बार बार टूटता क्यों है सिलाई करते टाइम। तो उसके बहुत सारे कारण हैं जिनसे आप ठीक जिनको आप ठीक कर सकते हो। सबसे पहले कि अपना धागा देखो कि ये कच्चा तो नहीं, अगर ये कच्चा होगा तो डेफिनेटली टूटेगा और बाद में आपकी सिलाई भी ख़राब होगी और वो उधड़ भी जाएंगी जल्दी। देखो इसको पकड़ के, ये बहुत कच्चा है, ये मैंने कच्चा धागा लिया आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ऐसे करते ही ये टूट रहा है, ठीक है। तो इस धागे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा धागा यूज़ करोगे तो ये डेफिनेटली बार बार टूटेगा। और इसके लिए मैं बता देती हूँ कि मैं जो धागा सही यूज़ करती हूँ, ये देखो सही है और ये ऐसे करके टूट नहीं रहा और बहुत देर बाद टूट रहा है। तो इसकी क्वालिटी मैं यूज़ करती हूँ स्पून पॉलिस्टर। मैं यूज़ करती हूँ ये वाला धागा जिसकी क्वालिटी होती है स्पून पॉलिस्टर, ठीक है। तो ये वाले धागे जल्दी टूटते नहीं हैं और मशीन में अच्छे से वर्क भी करते हैं। ये देखो ऐसे करने पे नहीं टूट रहा, जोर से करने पे टूट रहा है। और मैंने जो दूसरा लिया था ये ऐसे ही टूट रहा है वन वे में, ठीक है। तो धागा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली जो आपकी सुई होती है, इसमें आपने जो सुई लगाई है मशीन की सुई, इसका जो पॉइंट होता है ये, इसको ऐसे टच करके देखो, ऐसे ये स्मूथली चलना, स्मूथली आपका हाथ से कहीं भी आपको अगर चुभ रहा है आपके हैंड पे, इसका मतलब कि ये सुई का पॉइंट थोड़ा नीचे से खड़बड़ा है या फिर थोड़ी टेढ़ी है। अगर ये सुई का ये जो नीचे वाला लास्ट वाला पॉइंट है, ये अगर खड़बड़ा होगा, चुभता होगा या हल्का सा टेढ़ा होगा तो ये प्रॉब्लम करेगा और आपका धागा तोड़ेगा। इसके लिए आप इस पॉइंट को ऐसे गोल गोल घुमा के देखें, ये आपको चुभता तो नहीं। सेकेंडली कोई भी क्लॉथ लीजिए, जैसे कि मैंने लिया है, इसमें ऐसे डाल के देखिए, अगर ये अड़ रही है, अगर ये अटक रही है लाइक दिस, तो इट मीन्स आपकी सुई ख़राब है और इसकी साइड से नोक जो होता है पॉइंट, वो थोड़ा टेढ़ा है या फिर ये रफ़ हो चुकी है, इसको चेंज करने का टाइम आ गया है। तो आपको सुई चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका धागा टूटेगा और आपकी सिलाई भी बिल्कुल ठीक नहीं आएगी। तो सुई का पॉइंट ज़रूर चेक कीजिए। फिर बात आती है थ्रेड टेंशन की। ये देखिए ये होता है थ्रेड टेंशन। अगर इसको हम इस प्रकार दूसरी साइड पे घुमाएंगे तो ये थ्रेड टेंशन लूज हो जाएगी। और फिर सिलाई करके देखिए, अगर आपकी सिलाई ठीक आ रही है तो वेल एंड गुड। अगर इसको हम थोड़ा अपनी तरफ घुमाएंगे ऐसे, अपनी तरफ घुमाएंगे ऐसे, तो इसकी टेंशन थोड़ी टाइट हो जाएगी। और फिर सिलाई करके देखिए और अब आपका धागा नहीं टूट रहा तो भी ठीक है। थ्रेड टेंशन के बाद हम बात करते हैं बॉबिन की। नीचे से मैं बॉबिन केस निकाल रही हूँ और इसकी बॉबिन में धागा अगर लूज है तो सिलते वक्त टूटेगा, क्योंकि ऊपर धागा ठीक है, टेंशन से हमने ठीक कर लिया, लेकिन अगर धागा बॉबिन में भी लूज होगा, जैसे कईयों में ऐसे उबड़ खाबड़ और लूज लूज भरा होता है, अगर लूज भरा होगा तब भी आपकी थ्रेड टूट सकता है और सिलाई सही से नहीं आएगी। और लूज होने की वजह से ये जो बॉबिन है इसमें भी थ्रेड फंस जाता है, या फिर जिधर थ्रेड डालते हैं यहाँ पर थ्रेड बार बार फंस जाता है। ये भी एक रीज़न है कि क्यों थ्रेड फंसता है, धागा फंसता है नीचे बॉबिन वाली जगह पर या फिर बॉबिन में, इसलिए फंसता है क्योंकि धागा इसमें लूज वाइंड हुआ है, ठीक है। तो इसको सही से वाइंड करना ज़रूरी है, सही से मीन्स नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से वाइंड करना ज़रूरी है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको सिखाऊंगी चार तरीके बॉबिन को वाइंड करने के, तो ज़रूर देखिए। एंड इसके बाद हम बात करते हैं सुई की दोबारा, कि जो सुई है वो ज़्यादा, इधर एक निशान होता है उससे ज़्यादा ऊपर लगी है या फिर ज़्यादा नीचे लगी है तो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। इसको खोलकर आप थोड़ा सा, अगर ये ऊपर है तो थोड़ा सा नीचे करके लगाइए। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने इसको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो प्लीज़ देखिए। और अगर ये नीचे ज़्यादा लगी है तो ऊपर करके थोड़ा लगाइए, फिर आपका धागे टूटने की शिकायत बार बार नहीं आएगी। और अब मेन पॉइंट आता है कि इसको ऑयल करना है। मैं हर एक वीडियो में सिखाती हूँ कि इसमें ऑयलिंग की ज़रूरत है मशीन को, हर हफ्ते, एवरी वीक। तो स्पेशली जब धागा टूटता है बार बार या फिर बॉबिन में फंसता है बार बार, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, मशीन का तेल मेनली धागा टूटने के केस में यहाँ पर डालिए। देखो मैंने डाला और इसको मैं अब ऊपर उठा के दिखा रही हूँ आपको कि कहाँ कहाँ डालना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर भी मशीन का तेल डालो, अगर धागा बार बार टूटता है या फिर इधर फंस जाता है तो,
ठीक है, इधर डालने से क्या होगा, ये साफ हो जाएगा। और इसके बाद इसको क्लीन भी करना जरूरी है कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, ठीक है, ऐसे क्लीन भी करना जरूरी है। और धागा टूटने का ये भी रीजन है कि यहाँ पे स्पेशली धागा फंस गया है कहीं पर, तो इस पार्ट को साफ करो कपड़े से इस प्रकार, या फिर ब्रश की सहायता से अच्छे से अंदर से साफ कर लो। यहाँ पे बहुत सारी डस्ट होती है, उसको आपको निकालना है, और धागा अगर फंसा है तो उसको निकालना है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, ऑयल कहाँ देना है धागा टूटने की शिकायत पे। देखो यहाँ पर ऑयल बना है, यहाँ पर ऑयल देना है। फिर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी ऑयल के 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ऑयल देना है। और ये देखो ये ऊपर नीचे जाता है जब हम सिलते हैं, तो इसमें भी ऑयल देना है। ऑयल देने के बाद ये देखो ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसा चलाना ज़रूरी है हर जगह। अगर आपने ऑयल दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया हमने ऑयल, तो इसको चलाना ज़रूरी है थोड़ी देर। खाली यहाँ से धागा बाहर निकाल लो, अदरवाइज धागा नीचे फंसेगा। बेसिक रीज़न धागा मशीन के नीचे बॉबिन में फंसने का ये है कि अगर धागा ऊपर डाला है सुई में, निडल में डाला है, लेकिन बॉबिन में नहीं डाला, या फिर आपने खाली बॉबिन डाल दी है, या फिर बॉबिन डाली डालना ही भूल गए हैं, तो भी धागा नीचे फंसता है और वो बहुत बुरी तरीके से इसमें फंस जाता है। ये जो पॉइंट है ये देखो, इसके अंदर आपस में रोल हो जाता है बहुत बुरी तरीके से, उसको फिर यहाँ से काटना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रहे, जब भी आप ऊपर निडल में धागा डाल रहे हो सुई में, तो बॉबिन में भी ज़रूर डालें और बॉबिन लगाएं ज़रूर। ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। अब मैं सिखा रही हूँ कि धागा ना फंसे उसके लिए ये तो सही से वाइंड होनी चाहिए, यानी कि फिरकी या बॉबिन अच्छे से भरी होनी चाहिए, लूज लूज नहीं भरनी चाहिए। और अब डालते कैसे हैं इसको बॉबिन में, ये सही तरीके से ना डालें तो भी प्रॉब्लम होती है। देखो ये मेरी बॉबिन है, ये है बॉबिन केस, इसके अंदर मैंने ऐसे डाला, और ये देखो यहाँ पर ये कट होता है, ये है कट, ठीक है। इस कट में से निकालेंगे, और यहाँ पर एक ये होता है, इसमें से अंदर से निकालते हैं, और ये छेद है अभी इसमें से बाहर नहीं आया है, कुछ लोग आधे में ही छोड़ देते हैं, ये यहाँ से बाहर आएगा। ये देखो यहाँ से बाहर आया और ये इसके अंदर है अब। और अब मैं बॉबिन को ऐसे पकड़ रही हूँ तो ये नहीं नीचे गिर रहा, तो इट मीन्स ये मैंने ढंग से सही तरीके से डाल दिया है। और अगर ये नीचे गिर जाएगी, इसका मतलब आपका बॉबिन में धागा सही से नहीं डला। ये चेक करने का एक तरीका है। अब इसको धागे को निकाल के देखो, तो इसका मतलब बॉबिन की टेंशन हमारी बिल्कुल ठीक है। ये बॉबिन की टेंशन चेक करने का तरीका है, और ये यहाँ वाली टेंशन चेक करने का तरीका मैंने बता दिया कि आपको सिलाई करके देखना पड़ेगा, और अगर नहीं सही आ रहा तो इसको लूज़ करके या टाइट करके चेक कीजिए। niaimagination.com देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि आकर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि वो मशीन से रिलेटेड जानकारी, टिप्स और सिलाई आसानी से सीख सकें। सब्सक्राइब के साथ एक बेल है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूं वैसे ही आपके ईमेल आईडी पे मिल जाए। थैंक यू।